ये नया घर दिलाने का उस टाइम का जो हमारे आमदार थे और गृह निर्माण मंत्री भी थे सचिन भाव आहिर, उन्होंने बोला हमको 36 महीना का बात ही छोड़ो, आपको 2 साल में आपको घर में जा सकते हो और आपको 6 महीने का भाड़ा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ऐसे बोलकर हमको जो भाड़ा दिया है वो भाड़े का जो लालच हम हमारा रहिवासी को जो दिया है आज हम उसकी पूरा भुगतना पूरा हमारा लोगों का जान दे के हम लोग वो भुगत रहे। अभी मेरा भी तबीयत खराब है, अभी आज 15 दिन से मैं भी टेंशन ली हो तो मेरे को कुछ होगा नहीं, सबको लटकाएगी मैं। हाँ कैसा नहीं, वो तो ऐसा ही गया, मैं लिख के भरेगी, फिर अनपढ़ है तो भी दूसरे से लिखा के मैं सबको लटका डालेगी। ये वो इकसर को भी है, ये पाटेकर को भी। ये यहाँ का पॉलिटिशियन को या नेता हो जो हमसे वोट मांगता है, जो हमारा वोट से कुर्सी पे बैठ के हमारे ऊपर रुबाव चलाता है। घर नहीं है, जिधर हम लोग रहते हैं वो बोलते हैं भाड़ा नहीं भरेगा तो खाली करो, तो हम लोग किधर जाएगा, पासी लगा के ही मरेगा ना, जैसा आनंद ने किया। नमस्कार, जी साऊथ न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्कार, आपण दक्षिण मध्य मुंबईतील वरळी या परिसरात आहोत। गांधीनगर हा इकडचा प्रसिद्ध भाग, गांधीनगरमध्ये धोबीघाट हा एक विभाग इथे प्रसिद्ध आहे। आपण पाहू शकता इकडे 12 वर्ष रखडलेली इमारत आहे आणि इथे सोबत ह्या 12 वर्ष रखडलेल्या SRA प्रोजेक्टचे रहिवासी सोबत आपल्या आहेत। एक दुर्दैवी घटना काल घडली, याच सोसायटीतील एका रहिवाशाने परिस्थितीला कंटाळून बिल्डरने आपला घराचा ताबा नाही दिला, एक आर्थिक ओढाताण होऊन त्या युवकाने आत्महत्या केली आणि ह्या विभागात आणि या त्यांच्या रहिवाशांच्या यामुळे प्रचंड संताप आणि एक हळहळ पाहायला मिळते। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की नेमकं हे काय होतं आहे, खरोखरच हे विकासक अशा पद्धतीने कसे काय वागू शकतात, हा प्रश्न आपल्याला पडल्याशिवाय राहणार नाही, दिलेल्या शब्दाला जागत नाही। 3 वर्षात तुम्हाला प्रोजेक्ट पूर्ण करून देतो आणि आज तब्बल 12 वर्ष झाली, त्याच्यानंतरसुद्धा विकासकाने आपला हा प्रोजेक्ट पूर्ण केलेला नाही। रहिवासी संतापलेले आहेत, महिलांचे तळतळाट येत आहेत, विकासकाने खरोखरच लाज लज्जा विकून खाल्ली आहे का, हा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की नेमकं घडतं आहे काय। आपल्यासोबत या सोसायटीतील इथे रहिवासी आहेत। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रवि चेट्टीपल्ली है, मैं यहाँ पर बचपन से रहता हूँ और यहाँ पर मेरा जो घर है, मेरा माँ बाप ने मेहनत करके कमाया हुआ घर है, ऐसा नहीं हम खरीदी करके आया हुआ नहीं है। यहाँ पर जब झोपड़े गिरे तभी से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमको ऐसा सपना दिखा के जो आज 755 परिवार को जो रोड पे ला कर रखा है यहाँ पर, ये विकासक हमारा कमेटी के मेंबर्स और यहाँ का प्रतिनिधि जितने पॉलिटिशियन है जो माजी और आज का प्रेजेंट जितना भी पदाधिकारी वाला है, इन लोग के वजह से आज यहाँ पर जितना भी संख्या पे जो रहिवासी है पूरे कर्जे में डूबा हुआ है। यहाँ पर ये जो रहिवासी, उनके तकलीफें बताने के लिए या तो उनके तकलीफें सुनने के लिए यहाँ पर कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई है ही नहीं है। लॉकडाउन करोने के बाद हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए मैं आपको शुरुआत की बात बताता हूँ। हमको 2012 में अच्छे घर देने का सपना दिलाकर पूरे डेढ़ से दो महीने में पूरे रहिवासी को पूरा खाली कराया, पूरा मैदान करवाया कि सिर्फ एक ही आशय पे 36 महीने पे अपने को नया घर मिलेगा। और ये नया घर दिलाने का उस टाइम का जो हमारे आमदार थे और गृह निर्माण मंत्री भी थे सचिन भाव आहिर, उन्होंने बोला हमको 36 महीने का बात ही छोड़ो, आपको 2 साल में आपको घर में जा सकते हो और आपको 6 महीने का भाड़ा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ऐसे बोलकर हमको जो भाड़ा दिया है वो भाड़े का जो लालच हम हमारा रहिवासी को जो दिया है आज हम उसकी पूरा भुगतना पूरा हमारा लोगों का जान दे के हम लोग वो भुगत रहे। क्यों उस वक्त वरली में जो भाड़ा दिया गया यहाँ पर 14,000, ये सबसे बड़ा चीज क्या है, आदमी विश्वास और लालच में जाके हर आदमी उनकी बात सुनकर यहाँ पर ये पूरा झोपड़े खाली करके उनको दिया गया, लेकिन इस यहाँ पर झोपड़ा हटा के उनका मकसद क्या है और लोगों को घर देना है या खुद के कमाई के लिए ये सब लोगों को गुमराह करना है, ये उन्हीं को मालूम है। क्योंकि 12 साल से हम लोग यहाँ पर जो तकलीफ झेल रहे और जब 2015 तक सही हिसाब से काम चल रहा था और 23 माले का बिल्डिंग भी खड़ा हुआ और 2015 तक हमको भाड़ा भी दिया गया है, पता नहीं क्या हुआ 2016 से काम बंद कर दिया है और भाड़ा भी बंद कर दिया है और वहाँ पर
कोई बिल्डर से हमको मुलाकात नहीं होता था पूरा रहीवासी तीनों कमेटी के पास, शिव साईनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और शिव गणेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और शिव अपना गणेश कृपा वीएलटी, ये तीनों सोसाइटी के पास रहीवासी कोई भी जाता तो उनको समाधान नहीं बोलता था, होएगा काम, अभी देगा भाड़ा, बिल्डर के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन अपना नोटबंदी जो हुआ है वो कभी हुआ है 2016 में हुआ है, तो हमारा प्रोजेक्ट देने का था 2015 के अंदर हमको हमारा घर बना के देने का था, लेकिन वो 2016 से जो रुका है आज तक किसी भी रहीवासी को मालूम नहीं काम क्यों रुका, भाड़ा क्यों रुका, लेकिन हम वो तकलीफ झेलते हुए और कमेटी का बात पे हम विश्वास रखते हुए लॉकडाउन तक सबका घर तो चल ही रहा था, क्योंकि आदमी मेहनत करके घर का भाड़ा भी भर रहा है, बच्चों का फीस भी भर रहा है और अपना घर भी चला रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन के जब आज जो परिस्थिति लोगों का हुआ है उसके बाद सभी रहीवासी एकजुट होकर यहाँ पर एक संगठन बनाकर कृति समिति का नाम देकर 2020 से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एसआरए में 13-2 का हार्ट एयरिंग हुआ है, इसके बावजूद भी एसआरए का जो सीओ भी हो या वहाँ का जितना ऑफिसर हो बिल्डर का सपोर्ट के सिवाय लोगों का में कभी कोई काम नहीं करते, बांद्रा एसआरए जो है सिर्फ वो बिल्डर लोग का अड्डा बन गया, दलाल बन गया, लेकिन रहीवासी के लिए न्याय देने के लिए वहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं है, हमको पूरी खुली शब्द में हम बता रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर सब कुछ देख चुके हैं, क्योंकि जेबान पे जेबान देता है बिल्डर और उसको मोहलत देते जाता है कि वहाँ का जो सीओ है सतीश लोखंडे जी वो एक ही बात बोलता है, लॉकडाउन के वजह से बिल्डर के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर एक बिल्डर जो मुंबई लेवल में 24 प्रोजेक्ट करता है वो बिल्डर अगर लॉकडाउन के बाद अगर उसको परिस्थिति खराब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सामान्य जनता का हालत क्या हो सकता है, ये यहाँ का पॉलिटिशियन को हो या नेता हो जो हमसे वोट मांगता है, जो हमारा वोट से कुर्सी पे बैठ के हमारे ऊपर रुबाव चलाता है, मैं उन लोग से भी पूछता हूँ और एसआरए का जो सीओ साहब से भी पूछता हूँ कि ये सामान्य जनता लॉकडाउन के बाद इनकी कैसी गुजरी रहेगी, कि 5 महीना काम धंधा नहीं है, किसी कितना लोग को तो काम छूट गया, कोई अच्छा खासा जॉब करने वाला भी है ना चाय का होटल ठेला लेके बैठना पड़ा, ऐसा कंडीशन में पिछले 3 साल से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वो लड़ाई में हर इंसान ऐसा तकलीफ से गुजर रहा है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया टेंशन से, घर का परिस्थिति देख के किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई टेंशन से बीमार पड़ गया, किसी को लकवा खा गया, ऐसा हमारा बहुत सारा रहीवासी है कि जो हम लोग दर्द किसको बताए और कौन हमारा आवाज़ सुनेगा, या अभी तक मुंबई में हमको कोई मिला नहीं, अभी तक कोई मिला नहीं, आज जो हनुमंता जो हमारा रहीवासी हनुमंता पुजारी वो पिछले कई दिनों से परेशान है, हमारे पास जब भी हर रविवार को मीटिंग होता है, मीटिंग में आता है रवि भाई कभी मिलेगा भाड़ा, भाड़ा मिल सकता है क्या, लेकिन मुझे पता नहीं था उसका अंदर इतना तकलीफ है, जो आदमी अपने आप को आज बोलो तो सुसाइड कर सकता है, खुदकुशी कर सकता है, आज उनके बच्चे लोग को देखे मुझे मेरे ऊपर भी टेंशन हो रहा है कि मैं अपने बच्चे लोग के लिए भी मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगा क्या, वो मेरे को एक डर है, क्योंकि मेरी परिस्थिति भी वही हिसाब है, क्योंकि 8 साल से मेरा खुद का भाड़ा नहीं है, भाड़ा छोड़ दो, आज महाराष्ट्र का जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास हमारा मुद्दा लेके अपना शिवसेना का उपनेता आशाताई मामड़ी के माध्यम से हम लोग मुंबई का हर एक नेता के पास गया, हर पार्टी के पास गया, लेकिन कुछ लोग हमको मदद किया है, लेकिन कुछ लोग तो हमको एकदम दरवाजे का आने नहीं दिया है, लेकिन जिस दिन हम आशाताई मामड़ी के पास गया और जाने के बाद वो जो चीज़ हमारा 2 मीटिंग के बाद 3रा मीटिंग सीएम के साथ में करवाया और पहला मुख्यमंत्री मैं देखा हूँ जो उन्होंने वहाँ पर डायरेक्ट सीओ को फ़ोन करके ये कल का मीटिंग में बिल्डर आना मांगता है और हमारा लोग भी आएंगे, हमारा प्रतिनिधि भी आएंगे, उनके सामने इनका जो भी समस्या है मेरे को पूरा क्लियर करने का करके आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का आदेश के बाद भी उसने 1.5 महीना गवाया और मुख्यमंत्री का आदेश के बाद भी एसआरए का जो सीओ है वो पूरी तरह बिल्डर के फेवर में बात करता है, तो हम लोग ने हार नहीं छोड़ा, हम लोग जिद्दी से बार बार मुख्यमंत्री साहब के पास मिला है, तब जाके उसने लिखित में हमको दिया है कि ये जो बिल्डिंग है 8 महीने में बांध के दूंगा और आगे का 18 माला जो छेड़ाने का वो एक 16 महीने में मैं क्लियर करूंगा और जब चाबी देते समय मैं उसका पूरा भाड़ा दूंगा, तो हम ये बात पे भी सहमति हो गया, लेकिन आज वो बात हो के 2.5 महीना हो गया, सिर्फ 15 से 20 आदमी रख के वो काम कर रहे हैं, अभी
जनता को और लोग अपना प्रतिनिधि को यहाँ का सरकार को सोचना है कि 15-20 आदमी रख के 23 माला 8 महीने कंप्लीट करके दे सकते हैं क्या, ये प्रशासक को मेरा सवाल है। और यहाँ पर हमारा जो नगर सेवक है, आमदार है, हमारे यहाँ पर वर्ली में 3-3 आमदार है, ए प्लस, तो ए प्लस का मतलब अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को पूरी तरह समझ में आया। ए प्लस का मतलब क्या है, झोपड़ा हटाओ, झोपड़ा वाले को बॉम्बे का बाहर भगाओ, यहाँ पर पैसा वाले को ला के रखो, इसके सिवा और ए प्लस में कोई ऐसा मुझे दिखता नहीं कि ए प्लस में सामान्य जनता, यहाँ का स्थानिक जनता जो वोट तुमको दे के आज जो गद्दी पे बिठा है, वो जनता को तुम ए प्लस में सुख चैन से रखने पाओगे कि हमको उम्मीद तो नहीं है। और जो आज घटना घटी है, उसके बच्चे का फीस भरने का और उसका भाड़ा भरने का, वो एक मुद्दे से आदमी आज वो कर्जे में डूबा हुआ है, उनको कर्जे वाला भी परेशान करके ब्याज मांगने का, असल मांगने का, वो प्रेशर से आदमी पूरा परिवार घर से, बोले तो बच्चे कॉलेज गए, बीवी काम पे गया, तो वो सबको जाने के बाद में आज वो जो आत्महत्या किया, बोलो तो सोचो उसके अंदर कितना दर्द था, कितना तकलीफ था, और वो क्या सोच के आत्महत्या किया वो सोचो। क्योंकि है ना, वो घर का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बोलो तो हेड था जो उसको पूरा घर चलाने का, अगर वो आदमी हिम्मत हार गया तो उसको कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा रहेगा ना कि आगे भी लगता नहीं कि मुझे घर मिलेगा ना भाड़ा मिलेगा। यही मैं अपना महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री साहब से मैं निवेदन करता हूँ, आपने ये काम हाथ में लिया है, आप हमारी आवाज़ सुनकर जो आज आत्महत्या जो किया है, और एक बंदा हमारा सुरेश घंटियाला है, उसको भी यही टेंशन, उसका भी बच्चे लोग का, वो पूरा दो लड़की लोग हैं, वो ऐसी जगह रहता है, उसका कारण है कि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चे लोग बोलो तो लेडीज़ जो होता है, गर्ल्स होता है, उनको लेके अच्छा सोसाइटी में रहने का एक सिक्योरिटी रहता है, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण पे वो 7,000-8,000 भाड़े का रूम लेके रहता है, और वो चिंता से उसको अचानक हमारा साथ में बैठे बैठे उसको स्ट्रोक आ गया, आज 15 दिन के बाद आया है, कम से कम 7-8 लाख रुपये खर्चा हुआ है, वो भी खर्चा करके उसने अपना ये करवाया, और यहाँ का कुछ लोग ने उनको मदद करके, पहले एडमिट कराते समय उनको मदद करके उनको एडमिट किया, बाद में उनका माँ आके कुछ जमीन बेचा क्या बेचा, लेकिन आज उसका ट्रीटमेंट करा के उसको घर पे लाया। तो ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ का विकासक जो कर रहा है, धवलसा परिणी ग्रुप और उनके साथ में जितने भी नेते मंत्री तंत्री, ये सबका ये जवाबदार है, यही लोग का वजह से आज यहाँ पर जितने 190 लोग अभी तक जो गुजर गए, इसका पूरा जवाबदार मैं तो बोलता हूँ ये विकासक और यहाँ का प्रतिनिधि जो भी है, इन लोग के सिवा और कोई नहीं हो सकता है। और हमारा कमेटी का जितने भी जूनियर सोसाइटी के जो आज हमारा एरिया छोड़ के भाग गए, जो लाखों खरड़ों खाए, खुद बिल्डर ने बोर्ड भी लगवाया कौन सा कमेटी वाला कितना खाया, इतना होने के बाद में भी आज उन्हीं लोग को फिर वापस बिल्डर लेके अपना काम चला रहा है कि लोगों को यहाँ से भगाने का, और ये बिल्डिंग बनाने का नहीं बनाने का उसका मकसद क्या है ये अभी तक हमको पता नहीं है। और मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री से और हमारा आशाताई मामड़ी जो हमारा समाज का है, हमारे लिए उसने बहुत बड़ा कदम उठाया, और हमारा आखिरी विश्वास वही है कि अभी का जो CM है वही हमारा घर दिला सकता है, ऐसा पूरा उम्मीद है। लेकिन जो आज ये मौत हुआ है, ऐसा दोबारा किसी का और घर नहीं उजड़ना मांगते करके मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना दो शब्द बोल के मैं राजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इथे रहिवासी त्रस्त आहेत, रहिवाशांच्या यांच्या बोलण्यातून असं दिसतं आहे की या डिप्रेशनमुळे किंवा या निराशेपोटी लोक आत्महत्येच्या दिशेला लागले आहेत, अजूनही काही रहिवाशांच्या ह्या वेत आहेत, आपलं घर कुटुंब कसं चालवायचं, मुंबईतील आपलं घर जाणार का, या भीतीने ते चलबिचल झालेले आहेत, कुठेतरी एक मानसिक तणाव वाढलेला आहे, त्याशिवाय मुंबईसारख्या ठिकाणी घर भाडं भरायचं आणि त्याच्यातून आपला प्रपंच चालवायचा हे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना भारी पडतं किंवा हे परवडण्यासारखं नाही आहे। याचबरोबर सचिन अहिर या विभागाचे मोठे नेते, राज्यमंत्री, आमदार यांच्यावरती, माजी राज्यमंत्री आताचे आमदार यांच्यावरती कुठेतरी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे। त्यावेळेला त्यांनी मध्यस्थी केली होती, पण त्यांच्या मध्यस्थीनंतर देखील आणि त्यांनी केलेल्या मध्यस्थीच्या हस्तक्षेपानंतर देखील ह्या बिल्डरकडून व्यवस्थित त्यांना पजेशन मिळालेलं नाही आहे किंवा हा प्रकल्प रखडला गेलेला आहे। मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपुप्रा खरोखरच हे झोपलेलं आहे का, किंवा हे खरोखरच दलालांचा आणि बिल्डरचा अड्डा झालेला आहे का, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या मनात नेहमी येत असतो आणि सर्वसामान्य लोकांच्या तक्रारी नेहमीच बाहेर येत असतात। झोपुप्राचे अधिकारी सर्रास बिल्डरची कामं करतात आणि त्यांना विकले गेलेले आहेत असे आरोप त्यांच्यावर वारंवार होत असतात। या रहिवाशांना न्याय मिळणार की नाही हे आपल्याला पुढे पाहावं लागेल। आपल्यासोबत इथे काही महिला आहेत, आपण त्यांच्याकडूनही त्यांच्या प्रतिक्रिया घेतोय। आता 12 वर्ष झाले आम्हाला, माझा नवरा लॉकडाऊनमध्ये 2 वर्ष झाले वावरला, आता घर भरायला भाडा आम्हाला पैसे नाही आहे, आम्ही कुठे कुठे राहून भांडी घासून
7,000-5,000 मध्ये काम करते आम्ही भाडा कुठून भरायचे आता कायला राहायला आम्हाला ठिकाणा नाही आता ही वर्ष बांधून देणार हे महिना बांधून देणार हे महिन्यात भाडा देणार असंच करतो तो आम्हाला आता आम्ही गरीब माणसं कुणाकडे जा कमिटीवाला सगळं खाऊन ना पळून गेला हे लोक सगळं आता केलं आहे दो एक साल का है ना जब भाड़ा ये लोग 3 साल से बना रहे तो एक ही साल का वही 3 महीने का 2 महीने का ऐसा डालता था बाद में भाड़ा ही डालने का बंद किया अब मैं विधवा औरत अकेला है मैं कहाँ जाएगी आमगार के पास जाएगा क्या मुंशी उसके पास जाएगा बिल्डर को तो हम नहीं लेके आए ना कमेटी वाला लेके आए ना हम किसके पास जाएगा क्या हम रास्ते पे सोएगा औरत घर रहेगा तो छत रहेगा तो हम सोएगा ना तो हमारा घर नहीं बनेगा तो हमारा गाला हमको दे दो हम गाला में रह जाएगा ना हमारा भाड़ा तो बच जाएगा ना वो भी नहीं करता ये भी नहीं हम जाएंगे किधर ये औरत किधर जाएगी बताओ आप अब तुमको विश्वास आता है ये आमगार लोग को समझ में नहीं आता है ये कमेटी वालों को समझ में नहीं आता वो लोग अपना अपना घर है तो वो लोग अपना अपना बराबर है वो लोग हम किधर जाएंगे बताओ हम किसके पास जाएंगे राय मांगने किसके पास जाएंगे अब अनमंता गोला रात मेरा भांजा है वो उसका घर में इतना टेंशन 2 बच्चे लोग है उसको फीस भरने का नहीं भाड़ा भरने का नहीं कर्जा वाले से ले लेके भरा फीस भरा ये भरा आज कर्जा देने वाला तो मांगने वाला है ना वो किधर से लगे वो ही टेंशन से हाँ 2 बच्चा को छोड़ा औरत को छोड़ा ऊपर जाके फांसी लगा आज कितने जन मर जाएंगे तो सबको मार डालेगा तुम अकेले ये बेचेगा क्या जगह हमारा वही इरादा है ना अभी एक सौ अस्सी आदमी मरा और बाकी ऐसे ही मर जाएगा ये तो हमारा घर हमको मिलने वाला नहीं हमारे मेहनत का घर है हम इधर ये ना पानी गटर में का पानी पिया है हम वो मेहनत का अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमको शौक लगेगा कि नहीं दूसरा आके तुम खाएगा क्या ये कैसा लगता है आपको इसके लिए आमगार बोलते वो भी करता है ना हमको इंसाफ दिलाओ और कुछ नहीं चाहिए तुम घर नहीं बनता हम गाले में घुस जाएगा अब ये हफ्ता में हम देखे वो अगर वो लड़के वो बच्चे लोग को नहीं मिलेगा ना आज हम लोग क्या करना है हम लोग कर लेगा बस इतना जैन मैं मार इतना करती हूँ हमको मदद चाहिए बस और कुछ नहीं और आगे और अभी मेरा भी तबीयत खराब है अभी आज 15 दिन से मैं भी टेंशन ली हो तो मेरे को कुछ होगा नहीं सबको लटकाएगी मैं हाँ ऐसा नहीं वो तो ऐसा ही गया मैं लिख के भरेगी फिर अनपढ़ है तो भी दूसरे से लिखा के मैं सबको लटका डालेगी ये वो इकास सर को भी है ये पाटेकर को भी हाँ वही हम लोग को आके सब किया बस हे विकासक खरोखरच रहिवाशांच्या महिलांची हाय मारी घेत आहेत असं कुठेतरी पाहायला मिळत आहे आपल्याला आपण अजून काही महिलांकडून त्यांच्या प्रतिक्रिया घेतोय आता 8 साल से हम लोग को भाडा नाही आहे हम लोग कर्जा निकाल के हम लोग रूम को भाड़ा भरा है आज कर्जे वाले हम लोग आके हम लोग से आज ब्याज मांगते हैं जो हनुमंती पुजारी ने आज किया वो नौबत तो मेरे को लगता है मेरे पे भी आने वाला है क्योंकि सभी के ऊपर आएगा क्योंकि ब्याज मांगते तो हम लोग का कमाई नहीं है हमारे आदमी का कमाई नहीं हमारे बच्चे लोग का कमाई नहीं हम लोग को घर नहीं है जिधर हम लोग रहते हैं वो बोलते हैं भाड़ा नहीं भरेगा तो खाली करो तो हम लोग किधर जाएगा फांसी लगा के ही मरेगा ना जैसा हनुमंता ने किया सब नेता लोग ने अपना कमेटी वाले लोग ने सब प्रोजेक्ट बेच डाला बिल्डर ने बेच डाला किसको बेच डाला अभी हम लोग तो रास्ते में ही आ गए हैं ना अभी हमारा नौबत ऐसा है कि हम लोग तो मर जाएगा अगर ये बिल्डर को पूरा उस बिल्डर के नाम से लिख के मर जाएगा वो ऐसा ही करेगा हम लोग को अभी किधर का भी सहारा भी नहीं है हम लोग इतना टेंशन में रहता है रोज टेंशन में रहता है हम लोग को काम भी नहीं है और देखो गूंगी औरत है ये गूंगी है भीख मांग के खाती है वो पेट पालती है उसको भी रहने के लिए जगह नहीं है सबको पूछती ये गूंगी है ये भीख मांग के खाती है इसको रहने के लिए जगह भी नहीं है और रोज आती है अपना ऑफिस खुलाए करके कीर्ति समिति वाला एक संगठन बनाया और ऑफिस खुलाए करके रोज आके पूछती है रोज इधर बैठती है कभी मेरे को मेरा घर मिलेगा कभी मेरा घर मिलेगा इसको भी बीमारी में ही है उसको कभी कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी है वो इधर का अपना नेता जो है वही जिम्मेदारी रहेगा ना और ये कमेटी वाला जिम्मेदारी रहेगा ना जो हमारा घर तोड़ दिया हम लोग भी इधर के जूने रहवासी है हम लोग को पूरा रास्ते में लाके छोड़ दिया नमस्कार 12 साल हो गया जब भी हम लोग को इधर मैदान बना के रख दिया है जब भी उस टाइम पे बोला 3 साल में हम लोग को बांध के देगा बोला 3 साल हो गया अभी कितना 12 साल हो गया हम लोग को भाड़ा नहीं दे रहे कुछ नहीं दे रहे अभी हम मेरा आदमी भी घासले डाल रहा था हम लोग ने पकड़ा हम लोग घर में था बोल के अच्छा हो गया हाँ किधर से उसका कमाई नहीं कुछ नहीं हाँ उसको पैर का तकलीफ है उसको काम पे किधर से जाएगा वो हाँ मैं भी 4 घर काम पे जाता है हाँ बांडी घर से निकले जाता है हाँ घर काम करके वही पैसा लेके आता है घर पे वही घर चलाती मैं हाँ भाड़ा नहीं दे रहा कुछ नहीं दे रहा अभी सब लोग इधर आके रो रहे हैं क्या करने का किधर जाने का
आपण महिलांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या, महिलांचे शिव्याशाप पाहायला मिळाले, बिल्डर विकासकाच्या विरोधात आपल्याला ऐकायला मिळाले, अनेक जनतेला प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही. ज्यांना आपण अनाथांचे नाथ एकनाथ म्हणतो, असे एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि हे सर्वसामान्यांचं गोरगरिबांचं सरकार म्हणून चालवलं जात आहे. खरोखरच मुख्यमंत्री या ठिकाणी लक्ष देतील का? ज्याप्रमाणे शेतकरी महाराष्ट्रात आत्महत्या करतात, त्या ठिकाणी आता SRAचे रहिवासी आत्महत्या करायला लागलेत किंवा आत्महत्याच्या दिशेने जात आहेत, हे आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळालं आणि ऐकायलाही देखील मिळालेलं आहे. इथे अजून काही रहिवासी आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेतो आहे. माझं नाव प्रभाकर लक्ष्मीराजम गोणे, शिवगणे सोसायटीचा मी रहिवासी आहे. मी 1973 राहतो इथे आणि हे गोड गोड बोलून आम्हाला इथून खाली करून मोकळा करून सोडला इथे. आता काही 2016 काम बंदच आहे. आता बहुतेक आम्ही 3 वर्षापासून लढाई चालू आहे, कृती समिती म्हणून चालू केलेला आहे. स्वतःचा पैसे टाकून आम्ही आपल्या खिशातनं टाकून लोकांच्यासाठी, गरीब लोकांसाठी, घरासाठी, हक्कासाठी लढाई चालू आहे आमचा. तरी पण माझ्या नावावर आता 4 केसेस आहे. 2 जामीनवर मी 10,000 रुपये भरून जामीन आहे. कोटा केस लावतात पोलिसांना पैसे दाबून, हे दवलशाह आणि बाकी इतर त्यांचा आहे कार्यकर्ते, आणि शिवगणेश पाटेकर पण आहे, त्यांचा पण खोटा पेपर बनवून मला काल, मी 11 तारीख होता जा ते बोईवाडा कोट्यात 62 नंबर कोट्यात गेला होता. काहीच नाही, तरी पण आम्हाला रगड पडली. आम्ही पुढे जातो माझ्या घरासाठी, लोकांच्या घरासाठी, तरी पण आम्हाला न्याय मिळत नाही. आणि हे SRAचा CA जो आहे, मी एकनाथ शिंदे साहेबांना एक माझा आहे माझ्या मनातनं की हे CA साहेबांना हटवायला तर आमचा एक काम होईल प्रोजेक्ट, असा माझा उद्देश आहे. आणि लय त्रास आहे माझ्यावर पण, कमीत कमी कर्ज आहे पण लोक बोलून पण काय फायदा नाही. आता चालला आहे दिवस काढतो असा. माझा पाई फ्रॅक्चर झाला आहे, मुलीचं लग्न झालं आता जानेवारीमध्ये, लोकांचा कर्ज काढला आहे, लोक घरी येतात, मी घरातनं बाहेर पडत पण नाही. आता काय करू हे समजत नाही की माझं पण आता मनातनं काय करतो की मी पण काय करू असं वाटतं मी, पण आता मी करू शकत नाही, करणार नाही. मी करायचं असलं तर दोघा चौघांना घेऊन जाणार वरती, मग नंतर मी माझा आत्महत्या करून घेणार असा माझा उद्देश आहे. आणि आम्हाला न्याय मिळणार म्हणून एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती करतो. रहिवासी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे आज धरून बसलेले आहेत, आम्हाला आमची घरं मिळतील का, आम्हाला उपजीविका करण्यासाठी किंवा आम्हाला आमच्या राहत्या घरांसाठी भाडं तरी मिळेल का, विकासकाच्या मनात कुठेतरी दयाभाव निर्माण होईल का, किंवा मुख्यमंत्री SRAबाबत काही कठोर निर्णय घेऊन त्या संदर्भात दुसऱ्या विकासकाला हस्तांतर करू शकतात का प्रोजेक्ट, हे आपल्याला नक्कीच पाहावं लागेल. लोकांची गाराणी आहेत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत. कॅमेरा पर्सन सार्थक यादवसह मी अभिषेक शिंदे, जी साऊथ न्यूज चेहरा मुंबईचा. मुंबईच्या जी साऊथ विभागातील अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी जी साऊथ न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका.